वेलकम दोस्तों। तो लारावल में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक देख लिए हैं जो यूज होने वाले हैं। तो आज से हम क्रड बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम बताएंगे आपको किसी फॉर्म का डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, और कैसे वहाँ हम जो लिस्ट दिखाएंगे वहाँ से हम फैच कर सकते हैं डेटा, डिलीट कर सकते हैं, एडिट वाला ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम बना के दिखाएंगे आपको, मतलब जो बेसिकली है क्रड हम बनाने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले से ही एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है जिसके अंदर ये फॉर्म है। ये देखो, ये फॉर्म हमने पूरा बना लिया है और ये सब हम निकाल लेंगे अभी, ऐसे डाल दिया स्टैटिक हमने। तो ये फॉर्म बना लिया हमने और एक छोटी सी टेबल बना ली हमने यहाँ पर, टेबल ये टेबल बना ली है स्टैटिक। और जो ये जो इसका हेडर है वो हमने जो लेआउट बनाया था मेन डॉट बुलेट, इसके अंदर हमने डाल दिया हेडर, ठीक है? तो ये छोटा सा हमने टेम्पलेट बना लिया है फॉर्म ये। अब बस थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हम। जैसे हम ऐड पे क्लिक करें तो हमारा डेटा ये वाला पेज स्क्रॉल हो जाना चाहिए, बैक पे क्लिक करें तो वापस हमारे इस वाले पेज पे आ जाना चाहिए, और हम जैसे इस टास्क पर हैं तो हमारा होम आना चाहिए, और जैसे ही हम इस पर हैं तो ऐड आना चाहिए। अभी तो ये क्या है, एक वो मेन लेआउट में पड़ा हुआ है, तो जो हमने यहाँ पे क्लास लगा दी उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये यूआरएल के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। अगर टास्क है यूआरएल तो होम पर एक्टिव होना चाहिए, अगर यूआरएल आपका टास्क स्लैश ऐड है तो होना चाहिए आपका ऐड पे। तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज़ करो हम इस पर हैं, अभी हमने इसका वेब बना रखा टास्क, इसका कंट्रोलर है हमारे पास ये वाला, इसमें हम यू आर एल गेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट पाथ, ये इंडेक्स, तो आपका पाथ आ गया टास्क। तो आपको जो यू आर एल वाला पाथ है वो गेट करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट और उसके बाद पाथ, ये इंडेक्स का देख लिया हमने, यही आप इसका चेक कर सकते हो। इसका है टास्क स्लैश ऐड। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ये मिले तो ये एक्टिव हो जाए, तो ये कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे, कंडीशन के लिए आप नॉर्मल पी एच पी टैग यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करो उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करें आप इफ। हाँ एक चीज़ और, अभी अगर इसको आप डायरेक्ट यूज़ करोगे इस चीज़ को यहाँ पर, सपोज करो मैं ऐसी पी एच पी टैग लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो एरर आ गया ये करके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यूज़ करो ऐप ये देखो आ गया। अगर आप कंट्रोलर पे यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लेड पे कर रहे हो तो आप ऐप यूज़ करके उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट है, उसके बाद कोई भी फंक्शन पाथ निकालना है आपको या कुछ और निकालना है, जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके अंदर, गेट एक्शन मेथड नेम निकालना है आपको कौन सा मेथड है, आप वो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेथड का नेम है वो भी आ जाएगा आपका, गेट एक्शन मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, एक सेकेंड। अच्छा उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा राउट, तो ये देखो इंडेक्स आ गया उसके पीछे टास्क आ गया, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया, ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं अब देख सकते हो इसके यूआरएल में। तो हमें बेसिकली इसकी यूज़ करने वाले हैं कि जो ऐप का जो पाथ है, कंडीशन हम कहाँ लगा रहे थे इसके, यहाँ पे एट द रेट इफ,
जो पाथ हैं इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए आपका टास्क, अगर टास्क होगा तो एक स्पेस देके ये हो जाना चाहिए एक्टिव। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं हम एंड इफ, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पर आ गए, और ये कंट्रोलर से इसको कमेंट कर देते हैं इन दोनों को। अब जब हम इस पर जाएंगे तो ऐड पर आना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन हम लगा देते हैं। इसके लिए यूआरएल क्या मिलेगा, टास्क स्लैश ऐड, यहाँ पर होगा टास्क स्लैश ऐड, तो ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक करें तो वो ऐड वाले पेज पे चले जाए, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए होता है इसके अंदर यू आर एल राउट, और यहाँ पे राउट का नेम। तो राउट का जो नेम है आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ये वाला हो गया टास्क, तो इसका आपको नेम रखना पड़ेगा। इसका नेम रखने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है नेम, और उसके बाद यहाँ पे राउट का नेम, इसका रख दिया हमने टास्क, और इसका रख दिया हमने उसका नेम। ज़रूरी नहीं कि आप जो ये है वो रखो, कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे सपोज करो मैं इसका रख देता हूँ टास्क ऐड, ठीक है। अब हम जाते हैं इस पर, तो ये कॉल होना चाहिए आपका टास्क, और ये वाला कॉल होना चाहिए आपका टास्क ऐड। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको भी कर दिया रिफ्रेश, इसको भी कर दिया। अब जैसे हम होम पे जाएंगे तो ये होम पर आ जाएगा, ऐड पे जाएंगे तो ऐड पे आ गया होम ऐड, ये देख रहे हो। इसको इंस्पेक्टर के भी चेक कर सकते हो आप क्या यूआरएल बन रहा है इसका। तो ये देखो, ये टास्क और ये टास्क ऐड, जबकि हमने क्या यूज़ करा था इसमें रूट टास्क ऐड, जो कि ये होता है रूट का नेम होता है। नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर जाके। तो ये जो मतलब मेन चीज़ें मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी ये इसमें कुछ है नहीं जो मैंने फॉर्म वगैरह बना रखा है, तो नॉर्मल सी चीज़ें। तो ये दो तीन चीज़ें थी, तो इस टेम्पलेट को सेट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। जैसे बैक पे क्लिक करें तो वापस आ जाए होम पेज पे, तो उसके लिए भी आप सेम यूज़ कर सकते हो। ये कॉपी करा, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे बैक करेंगे तो ये इंडेक्स पे आ जाएगा, तो ये बैक किया इंडेक्स पर आ गया होम पर ऐड बैक। तो इस तरीके से हमने छोटा सा टेम्पलेट सेट कर रखा है, कर लिया मतलब। अब आगे की वीडियो में हम इसकी फंक्शनलिटी देखेंगे, फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर इंसर्ट करना देखेंगे, फिर डिलीट अपडेट, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।